तो ये मैं पीहू के लिए चॉकलेट ऑमलेट बनाई हूँ। देखो पीहू का रिएक्शन कैसा होता है। पीहू चॉकलेट ऑमलेट। वाह बोलो वाह बोलो। वाह नहीं बोला। पीहू वाह बोलो। थैंक यू। खा लो मैं आता है ठीक है। सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे आप लोग जरूर कमेंट्स करना। और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ पनीर की भाजी और पनीर भुर्जी बना रही हूँ एक्चुअली। और ये पनीर 1 लीटर पनीर है जिसे मैंने थोड़ा सा लेमन जूस डाल के इसे अच्छी तरह से मैंने फाड़ लिया है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है यू नो अनियंस जिंजर गार्लिक पेस्ट। सो वो सब ऐड करते हुए मैंने नहीं ले पाई वीडियो। एंड यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने टोमेटो। तो इसे अच्छी तरह से 2-3 मिनट आपको ढक के पका लेने हैं। और इसे जब अच्छी तरह से यू नो गल जाए टोमेटो तब मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पे पनीर। सो ये पनीर तो मैंने घर में ही बनाया है। काफ़ी अच्छा पनीर है। वैसे तो मैं मार्केट से भी लेके आती हूँ बट समटाइम्स जब खाने का मन हो तो मैं इस तरह से बना लेती हूँ। और अगर मैं इसे शाम तक रखती तो पनीर क्यूब भी अच्छी तरह से ये बन जाता बट मुझे खाना था आज पनीर भुर्जी। सो जब कभी मन करता तो मैं इसी तरह से पनीर को यू नो दूध को फाड़ के इसे पनीर बना लेती हूँ। और यू नो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में मुझे। मार्केट से ज़्यादा अच्छा तो मुझे घर का पनीर अच्छा लगता है क्योंकि अच्छा खासा बन जाता है और खाने में बहुत डिलीशियस लगता है। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया था मसाले सारे के सारे जैसे मैं बनाती हूँ। और दूसरा पोयम बोलो। दूसरा पोयम ओके। सो फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो रहा है और इस वक्त मैं बना रही हूँ पोहा जो कि मेरे हस्बैंड जी को बहुत पसंद है। और हस्बैंड जी भी आ चुके हैं। जैसे आप लोगों को पता है मुझे ठीक नहीं है तो बस 2 दिन से वो घर पे आ रहे हैं ताकि पीहू को वो संभाल सके और मैं थोड़ा सा रेस्ट कर पाऊँ। तो अच्छी तरह से मैंने रेस्ट ले लिया दवा खा के। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। सब ये सब आपके कमेंट्स की वजह से मैं जल्दी से ठीक हो गई। अदरवाइज़ इतना जल्दी कौन ठीक होता है। सो यहाँ पे मैं आज सिंगदाने की जगह पे ये आप पीस डालूँगी और बहुत ही अच्छा बना था। बहुत ही अच्छा लगा। मैं कुछ इसी तरह से बनाती हूँ पीस डाल के या फिर मूँगफली डाल के या फिर ड्राई फ्रूट डाल के अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं शक्कर डालूँगी। बहुत सारे लोग स्पाइसी भी बनाते हैं बट मैं कुछ इस तरह से बनाती हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें शुगर एंड सॉल्ट दोनों साथ में ऐड कर देती हूँ और ताकि अच्छी तरह से यू नो शुगर जो है अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और यहाँ पे पोहा रख के मैं थोड़ा सा चली गई थी पीहू को खाना बिना खिलाने थोड़ा सा यू नो। तो बस मैं पीहू को खिला के वापस आ गई हूँ। और यहाँ पे मेरा पोहा ना थोड़ा पानी में रह गया था ज़्यादा देर तक। सो बहुत ही पूरी तरह से गल चुका है। अदरवाइज़ थोड़ा सा पोहा जो कहते हैं ना थोड़ा सा कड़क कड़क रहे अखा अखा रहे तो अच्छा लगता है। वैसे पूरी तरह से गल चुका था बट खाने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे धनिया सब ऐड कर दिया है और ये हमारा पोहा डिलीशियस पोहा रेडी हो गया है। सो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए सब लोग। तो जब भी मैं पोहा बनाती हूँ मेरे घर में अनार हो तो मैं ज़रूर अनार डाल के खाती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना इस तरह से अनार डाल के और मुझे कमेंट ज़रूर करना कि कैसा लगा। और आप लोग किस तरह से खाते हो भी बताना मुझे। उसके बाद सेव डाल के यू नो नींबू डाल के बहुत ही अच्छा लगता है। और ये चली मैं अपना चाय लेके। सो कैसे हो आप लोग ज़रूर कॉमेंट्स करना फ्रेंड्स। बोलो सर ओम भू पीओ। अच्छा बोलता ओम भूम भू अच्छो तत्म तलम पुल्ले पले पले उल्लो पोलो 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 बोल दो ना बोल दो कुछ तो बोल दो कुछ तो बोल दो लल्ला बोल दो बोल दो बोल 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 बोल। मैं सुन तो कैसा हंसता है। अरे शर्मा गया बोल लल्ला शर्मा गया बोल लल्ला। चलो हम लोग खाना। सो फ्रेंड्स, अब मैं बनाने जा रही हूँ इस तुरई की भाजी। और मैंने जस्ट अभी एक वीडियो देखा इंडियन ब्लॉगर सामी जी का। उन्होंने तुरई और अरबी जो मिक्स करके बनाया। सो मैंने सोचा बनाती बट अरबी नहीं था मेरे पास। नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर बनाऊंगी। और आज मैं बनाऊंगी तुरई की भाजी। मुझे ये भाजी बहुत अच्छी लगती है। और इसमें ना अगर आप मिर्च ज़्यादा डालो ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सो चलिए देखिए मैं किस तरह से बनाती हूँ इसे। सो फ्रेंड्स, इसे मैंने काट के अच्छे से धो लिया है। और एक्चुअली मैं बनाने वाली थी कुछ अलग टाइप से बट मेरा अचानक से मन किया कि मैं इसे थोड़ा स्पाइसी तीखा बनाऊँ। तो मेरी क्या दीदी हमेशा बनाती थी मैं उस टाइप का बनाती हूँ। सो यहाँ पे मैंने तेल ले लिया और बहुत ही कम ऑयल लिया। मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं लिया क्योंकि ये जो तुरई है ना ये अपना पानी खुद ही छोड़ देता।
सो बस यहाँ पे मैंने ले लिया है और अब मैं ऐड कर दूंगी उसमें क्यूमिन सीड, थोड़ा गर्म होने देंगे, उसके बाद मैं ऐड करूंगी क्यूमिन सीड और अब ऐड कर दूंगी। फ्रेंड्स इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ सोयाबीन, तो ये सोयाबीन को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, बस इसका पानी जो अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी मैं। सो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरह से पानी इसके निकाल लिए हैं और उसके बाद दीदी ऐसे ही बनाती थी हमेशा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। सो जस्ट मैंने दीदी को कॉल किया और कॉल नहीं लग रहा था, बट फिर भी मुझे जैसे जैसे याद था मैंने बनाने की कोशिश की। और ऐसा होता है ना, कुछ कुछ भाजियाँ बनाते तो ऐसा लगता है थोड़ा सर्च कर लें, अगर आपको आता भी होगा ना, तो कितने लोग सर्च करते हैं ऐसे। मैं अब तो मेरी आदत सी पड़ गई है, कुछ भी बनाना होता तो मैं पहले सबसे यूट्यूब पर जाके सर्च करती हूँ कि कितना ईजी वे में हम बना सके और कितने अच्छे से हम बना सकते हैं। घूमो पहले देखो ये देखो क्या सुभाषनी जी, मेरे हस्बैंड ने शेविंग करा लिया फाइनली अब देखो कैसे घूम रहे हैं। और पीयू देखो कैसे मस्ती कर रही, पीयू पीयू सबको हेलो बोल दो, हेलो। तो आज बाबू साहब हमारे फेशियल करा के आए कुछ बोलो हाँ हाँ, तो क्या हो गया, पहली बार कराया ना, तो कितने बार कराया, दूसरी बार, शादी में तो नहीं कराया था, दो दो है, दो दो है। चलो रोटी बनाओ, अभी बस हो गया, इतना पैसा में इतना ही मिलेगा, चलो चलो रोटी बनाओ रोटी बनाओ। ये कौन सा कट कर रहा है बोलो, लालू कट है लालू कट है, रोटी बनाओ चलो पहले, तो उसके लिए है ना विटामिन ई ऑयल, रात को नाइट क्रीम भी लगाती हूँ। क्या चाहिए दोनों जान के नखले झेल रहे हैं। चुपचाप बैठ गए, कलर कलर का है कलर। चलो रोटी बनाओ प्लीज, कलर का है प्लीज बना दो रोटी। फ्रेंड्स अब मैं किचन में आ गई हूँ और ये देखिए तुरई की भाजी काफ़ी अच्छी बनी थी, बहुत ही अच्छा लगा खाने में। और यहाँ पे मैं बना रही रोटी, हस्बैंड जी को मैंने कहा रोटी बनाओ रोटी बनाओ, बट कहाँ बनाने वाली, तो यहाँ पे मैंने पीहू के लिए सोयाबीन की रोटी बनाई और ये नाचनी का आटा है बाय द वे, सिर्फ इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, नाचनी की रोटी बनाई है। मतली को टीचर मारेगी तुमको, टीचर होमवर्क इसमें नहीं करना है बाबू, करना है नहीं, तो देखो तुमको राइट अगेन लिखा है, राइट अगेन इसको रफ करके लिखना है। नहीं, हाँ नहीं है, हाँ सुनो टीचर मारेगी, मत लिखो ऐसा प्लीज प्लीज प्योर, टीचर ऐसा मारती है। हाँ, मारती अंदर जाके रो, हाँ। ये कौन सी बात हो गई, अंदर जाके लो, अंदर जाके रो, मैं इधर ही लोएगा हाँ? मैं इधर ही लोएगा, बोलो हाँ बोलो बोलो, मैं पास में आया लल्ला। क्या है ये टीचर, ये है पेन, पेन पेन है, मुझको लगा वन लिख रहा है तुम, देखो टू टू वन, हाँ टू टू वन है। चलो बाय बोल दो, गुड नाइट बोल दो, नो गुड नाइट नो, आई एम गोइंग टू स्लीप राइट नाउ, बाय नाउ
गुड नाइट फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटू सा ब्लॉग। सो आप लोगों को होप सो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, और प्लीज़ कमेंट जरूर करना फ्रेंड्स। कमेंट्स के थ्रू ही हमें पता चलता है कि आप लोग कितना 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 प्यार करते हो हमें। और यहाँ पे पीहू मेरी बिटिया रानी जो है मुझे स्टार दे रही है, और यू नो कितना प्यारा स्टार है सच में यार, ये स्टार मतलब कोई नहीं दे सकता। और पीहू खुद भी बना रही है अपने पैर पे, और मुझे भी बनाया पीहू ने। सो बस मैं यहाँ पे ही अपना वीडियो एंड करती हूँ। होप सो अच्छे से आप लोगों से मैं मिलूँ। सो आज के ब्लॉग में तो मैं नहीं मिल पाई, बस वॉइस दे रही हूँ, बट बहुत ही जल्दी आप लोगों से मिलूँगी। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यारे प्यारे कॉमेंट।